नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल मार्केट मूवर आप सभी का स्वागत करता है। और आज अभी हम लोग बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज इसने सुबह को ट्रेड किया और लास्ट में इसने अपर सर्किट लगाया और वो अपर सर्किट लास्ट तक डे के एंड तक ये बना रहा। ये एक अच्छी बात है, अपर सर्किट लगा और ये बना रहा। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रुचि सोया में सुबह सुबह अपर सर्किट लगा, फिर वो अपर सर्किट खुल के वो ट्रेड करने लगा, तो इसने वो चीज़ नहीं की। तो अभी सब कोई पूछेंगे कि इसमें कोई ऐसी बात निकल के आई है क्या, तो डेफिनेटली अंदर में कुछ ना कुछ तो बातें चल रही हैं और कुछ पॉजिटिव हो रहा होगा तभी अपर सर्किट लगा है। लेकिन अभी तक मीडिया रिपोर्ट या फिर किसी भी तरह का न्यूज इस स्टॉक पे नहीं आया है। लेकिन डेफिनेटली आप पेशेंस बना के रखिए, अच्छा न्यूज आएगा और ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया मल्टीबैगर साबित होने वाला है। आप माने या ना माने, किस बहुत सारे लोगों को ये बेकार स्टॉक लगता है, लगने दीजिए। जिन्होंने इस पर होल्डिंग्स करके रखी है वो डेफिनेटली बने रहें। RBI का अप्रूवल और रिजल्ट दोनों 15 जून के आसपास में आने वाला है। हो सकता है RBI का अप्रूवल की जो बात है वो 15 तारीख से पहले ही आ जाए और रिजल्ट इसका 15 जून को आने वाला है। तो इतने दिन तक ज़रूर वेट कर लें, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आने वाला है और बहुत ज़्यादा पैसा आप नहीं लगाएं। आप मैंने पहले भी कहा है कि इस स्टॉक पे थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाएं और जब इसका रिजल्ट क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली रिजल्ट बढ़िया आने लगेगा, आप स्टॉक पे थोड़ा थोड़ा करके और भी इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, तो आपका रिस्क भी नहीं रहेगा, रिस्क फ्री भी रहेगा और एक अच्छा स्टॉक हाथ से छूटेगा नहीं। तो अभी तक कोई ऐसी बात निकल के नहीं आई है। जैसे ही कोई भी बातें निकल के आएंगे हमारे चैनल आपको ज़रूर वो चीज़, वो आर्टिकल्स हो, वो न्यूज़ हो, वो RBI के अप्रूवल हो, वो रिजल्ट हो, चाहे कुछ भी हो रिगार्डिंग सिर्फ इस स्टॉक के लिए नहीं, स्टॉक मार्केट के लगभग जितने स्टॉक हैं, जो भी बातें निकल के आती हूँ मैं अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड कर देता हूँ सबसे पहले। तो इस चीज़ से नाफिक्र रहें, इसमें किसी भी तरह की कोई भी बात, चाहे वो गुड न्यूज़ हो चाहे वो बैड न्यूज़ हो, मैं दोनों चीज़ें लेके आऊँगा जो भी चीज़ें रहेंगी। तो बेशक इस पर अगर आपने पोजीशन बनाया है और आपने किसी स्टॉक पे पोजीशन बना के आप डर रहे हैं, तो बिल्कुल अभी किसी तरह की कोई बात ऐसी निकल के नहीं आई है जो स्टॉक के अगेंस्ट हो। अभी जितनी भी बातें निकल के आए सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तभी ये स्टॉक अपने सस्टेनेबल लेवल पे ट्रेड कर, आप देख रहे हैं 3.70 रुपये 3.60 रुपये से 4.10 रुपये 4 रुपये के आसपास में ही ट्रेड कर रहा। अगर कोई ऐसी बात रहती तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगाता और शायद आपका, हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर सभी को पैसा लेके डूब जाती। लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है, डिलिस्ट नहीं होगी 5 सालों तक, सब कुछ अच्छा चल रहा। RBI का सिर्फ एक अप्रूवल आना है और अप्रूवल आते ही ऐसा नहीं है कि रॉकेट के जैसा 300 रुपये से 300 तक या 30 तक चला जाएगा। आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा क्योंकि इसके रिजल्ट आएंगे, मैनेजमेंट बदलेगी, मैनेजमेंट का काम दिखेगा आपको, रिजल्ट अच्छे दिखने लगेंगे, तब आपको इस पर एक मतलब ग्रोथ देखने को मिलेगा। स्टॉक ट्रेड करता नज़र आएगा, सिर्फ अपर सर्किट ही नहीं लगाएगा, सब कुछ होगा। बस वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। लेकिन इस लेवल पे हो सकता उस समय ना मिले, 3 रुपये 4 रुपये का आपका स्टॉक नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बना लें, फिर बाद में पोजीशन बनाया जा सकता था। तो ये एक छोटी सी रिव्यू थी आलोक इंडस्ट्री पे। बने रहे हमारे चैनल के साथ और स्टॉक के साथ, आपको डेफिनेटली फ़ायदा दोनों ही चीज़ें पहुँचाएँगी, हमारा चैनल भी आपको और ये आलोक इंडस्ट्री का शेयर भी। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, डिसलाइक कीजिए अगर पसंद ना आए तो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके हमारे वीडियो से। तो चलिए अभी आज के लिए आलोक इंडस्ट्री के लिए इतना ही। जैसे कोई बड़ी बातें या अच्छी बातें निकल के आती है चाहे कुछ भी, मैं आपको सबसे पहले आप तक पहुँचा दूँगा वीडियो के माध्यम से। तो थैंक यू, धन्यवाद वंस अगेन।